नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 14 सितंबर दिन सोमवार, तो चलिए बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को अवश्य कर दें। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना महामारी की संख्या अब तक 158,390 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में बिहार में 1523 मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक कुल 808 लोगों की मौत हो गई है। अब तक राज्य में 141,158 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 1700 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर, राजद नेता और लालू प्रसाद के सबसे करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह का 74 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। वे पिछले 4 दिनों से सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को वैशाली जिले के पैतृक गांव में पानापुर पहमे में किया जाएगा। रघुवंश जब पटना एम्स में भर्ती थे तब उन्होंने 23 जून को पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शोक जताया है। सीएम कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रघुवंश प्रसाद सिंह के पुत्र सत्यप्रकाश सिंह से फोन पर बातचीत की। सीएम ने ऐलान किया कि रघुवंश सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होगा। रघुवंश प्रसाद के निधन पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक व्यक्त किया है। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके लिखा, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि रघुवंश प्रसाद के रहते कभी लगा ही नहीं कि हम लोग अकेले हैं। जब हमारे घर CBI ED की रेड पड़ी तब रघुवंश प्रसाद ही थे जिन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया था। लालू प्रसाद का कोर्ट ट्रायल के दौरान वे हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह का अगर सबसे बड़ा योगदान है बिहार वासियों के लिए तो वो है मनरेगा, जिसकी शुरुआत रघुवंश प्रसाद ने ही की थी। आपको बता दें कि UPA की पहली सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे रघुवंश प्रसाद सिंह। इस योजना में मजदूरों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने का सरकार की जिम्मेदारी है। आप कार्यों के लिए रघुवंश हमेशा याद किए जाएंगे। केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए उनको फैसलों में एक है नरेगा, जिसके बाद में नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया है। इस योजना के तहत मजदूरों को कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। वैसे तो बिहार के साथ पूरे देश के लोग कमाने के लिए गांव या शहर या महानगर की तरफ रुख करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में जब सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई और मजदूर घर लौट आए तो उन्हें मनरेगा का ही काम मिला था। मनरेगा की वजह से ही लाखों मजदूरों को रोजगार मिला था, जिसका श्रेय रघुवंश प्रसाद सिंह को ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार में 709 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सबसे पहले उन्होंने राजद नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने कहा कि आज जमीन से जुड़ा और गरीबी को समझने वाला नेता चला गया। जिस विचारधारा में पले बढ़े, जीवन भर उसे जीने का प्रयास किया, उनके जाने के बाद बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ है। ऐसा नेता उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष में बिताया है। सोमवार सुबह 6 बजे से पूरे प्रदेश में ट्रकों का चक्का जाम हो जाने वाला है। बिहार ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने 14 सितंबर से अपने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। शनिवार को प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष भानुशेखर प्रसाद ने कहा कि सरकार के बार बार आश्वासन के बावजूद भी उनकी समस्याओं के निदान के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया और ना ही उनकी मांगे मानी, लिहाजा अब ट्रक चालकों का हड़ताल पर जाना तय है। जिनमें ट्रक मालिकों की मांग है, JP सेतु, राजेंद्र सेतु और राज्य के अन्य बंद पड़े पुल को खाली ट्रकों के परिचालन के लिए खोलने के लिए, संशोधित मोटर वाहन अधिनियम को पूरी तरह वापस लेते हुए पुराने मोटर वाहन अधिनियम 1988 को लागू करना, भोजपुर DTO को भ्रष्ट क्रियाकलापों के खिलाफ कार्रवाई, राज्य के सभी बालू खदानों से निर्धारित मूल्य पर बालू की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
रोबोट की मदद से सर्जरी करने वाला देश का तीसरा शहर बन गया है पटना। घुटने और कुल्हे का रोपण सर्जरी हुई आसान। पटना देश का तीसरा शहर बन गया है जहां रोबोटिक आर्म मदद से घुटने और कुल्हा प्रत्यारोपण सर्जरी की सुविधा उपलब्ध हो गई है। शहर के अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन में इसके लिए करीब 14 करोड़ की लागत से रोबोटिक आर्म मशीन आई है। यह एक तरह का रोबोट है जिसकी मदद से डॉक्टर ज़्यादातर बेहतर से सर्जरी कर सकते हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के लिए आपको कब तक करना पड़ेगा इंतजार। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रोजाना तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से 90,000 से ज़्यादा मरीज रोज सामने आ रहे हैं। इस वजह से लोगों को अब जिसका इंतजार है वह है कोरोना वायरस की वैक्सीन। दुनिया के कई देश में विभिन्न वैक्सीन पर काम चल रहा है। इन सभी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में वैक्सीन कब तक संभव हो सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि अभी वैक्सीन की लॉन्चिंग को लेकर कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन अगले साल की पहली तिमाही में आ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी सोशल मीडिया के कार्यक्रम संडे संवाद के दौरान दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांका के बराहट में 131 करोड़ की लागत से स्थापित एलपीजी ब्लॉटिंग प्लॉट का रविवार को ऑनलाइन उद्घाटन किया। लगभग 29.5 एकड़ में स्थापित इस संयंत्र का उद्घाटन करते हुए पीएम ने इसे बिहार के विकास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि बांका एलपीजी प्लांट से बिहार के करीब 20 लाख लोगों को स्वच्छ एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके जरिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को 11,10,183 ग्राहकों को सेवा दी जाएगी। पीएम ने कहा कि ओडिशा के पारादीप से गैस की सप्लाई बंगाल के दुर्गापुर और झारखंड से होते हुए बिहार के बांका तक की जा रही है। पटना वासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, पटना एयरपोर्ट से अगले सप्ताह से उड़ानों की संख्या में और अधिक इजाफा होगा। अलग अलग शहरों के लिए और अधिक यात्री विमान उड़ान भरेंगे। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पटना एयरपोर्ट पर शनिवार की शाम मीडिया से बातचीत में यह जानकारी दी। वे दरभंगा एयरपोर्ट का जायजा लेने के बाद पटना आए थे। नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए पारित नई सेवा शर्त में शिक्षकों की मांग को दरकिनार किए जाने के खिलाफ TAT/STAT शिक्षक में व्यापक आक्रोश है। शोषण मूलक सेवा शर्त के खिलाफ TAT/STAT उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की शनिवार को पेंशनर भवन में हुई बैठक में 19 सितंबर को जिला मुख्यालय में पद यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि 5 वर्ष से सेवा शर्त विहीन सेवा कर रहे TAT/STAT नियोजित शिक्षकों को सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने सेवा शर्त में नियोजित शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण, ग्रेजुएटी, बीमा, अर्जित अवकाश समेत राज्य कर्मियों को हासिल सेवा सुविधाओं से पल्ला झाड़कर निराश किया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिले में क्लास 9वीं और 11वीं का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही 9वीं और 11वीं के छात्र परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में शामिल होने के लिए क्लास 9वीं में नियमित कोटि के अधीनरत स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं को स्कूल के हेडमास्टर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन का कार्य शुरू किया गया है। नियमित छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन के लिए ₹220 जमा करने होंगे। वहीं 11वीं के रजिस्ट्रेशन में ₹370 का शुल्क निर्धारित है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार 15 सितंबर तक क्लास 9वीं में नामांकन लेना है तथा 23 सितंबर तक क्लास में नामांकन होना है, जबकि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 सितंबर ही है। अभी गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। शाह को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि शनिवार की देर रात उनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। हालांकि इलाज के कारण कोरोना नेगेटिव पाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था।
आगामी त्यौहार को देखते हुए पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में शनिवार से 10 जोड़ी अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। इसमें 4 जोड़ी स्पेशल ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के स्टेशन से खुलेगी व पहुंचेगी, वहीं 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेन पमोरे के स्टेशन से गुजरेगी। इन ट्रेनों का परिचालन शनिवार से शुरू हो गया है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRF राजेश कुमार ने बताया कि शनिवार से चलने वाले स्पेशल ट्रेन में यात्रियों को COVID-19 को लेकर दिशा निर्देश का पालन करना होगा। गौरतलब है कि पूर्व मध्य रेलवे के जयनगर दिल्ली दरभंगा से सिकंदराबाद मुजफ्फरपुर से वलसाइड और धनबाद से फिरोजापुर के लिए ट्रेनें चलाई गई है। इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को सब्सक्राइब करें।